दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड डॉन और डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम भले ही भारत से बाहर रहकर अपना साम्राज्य चलाता है, मगर उसकी अंतिम इच्छा यही है कि मरने के बाद उसे भारत में ही दफन किया जाए। दाऊद ने अपने गुर्गों को मुंबई में खुद के लिए कब्र की जगह तलाश करने को कही थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम सालों से कई देश की सरकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। सरकारों के लिए दाऊद एक ऐसा रहस्य है जिसकी तलाश में सालों से बड़ी बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन आज तक उसका सुराग हाथ नहीं लग सका है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादांद का समधी होने की वजह से दाऊद इब्राहिम को वहां सह दी जाती है। वह पाकिस्तान में सालों तक रहा लेकिन उसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। दाऊद के दबदबे का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वैश्विक आतंकवादी घोषित होने के बावजूद अभी तक किसी भी देश की सरकार के हाथ उसकी गिरेबान तक नहीं पहुँच सके हैं। दाऊद भारत सरकार के लिए मोस्ट वांटेड कैसे बना और उसके अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के पीछे क्या है कहानी, जानते हैं विस्तार से। दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कसकर है। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कसकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। दाऊद ने स्कूल स्तर पर ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अपने शौक और बुरी आदतों के लिए दाऊद ने किशोर अवस्था में ही ड्रग सप्लाई, चोरी, डकैती, लूटपाट इत्यादि करना शुरू कर दिया। घरवालों ने सोचा कि शादी के बाद शायद दाऊद सही रास्ते पर आ जाए, इसलिए उसकी शादी कर दी। दाऊद की शादी महजबीन उर्फ जुबीना जरीना से हुई। उसके 4 बच्चे हैं जिनमें एक लड़का और 3 लड़कियां हैं। दाऊद की सबसे छोटी बेटी की मौत हो चुकी है। दाऊद की पहचान और स्वास्थ्य की बात करें तो दाऊद की हाइट 5 फुट 4 इंच है। पहले दाऊद घनी मूछ रखता था लेकिन अब क्लीन शेव है। इसके अलावा किसी को भी दाऊद का स्टीक हुलिया नहीं मालूम है। दस्तावेजों में उसका हुलिया कुछ ऐसे ही दर्शाया गया है। दाऊद के स्वास्थ्य की जानकारी भी किसी को नहीं है। दाऊद के साथ 1 डॉक्टर और 2 नर्सें हमेशा रहती हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार कराची में दाऊद के बंगले पर 1 डॉक्टर हमेशा तैनात रहता है और वह हर रोज दाऊद का हेल्थ चेकअप करता है। एक डाइटिशियन भी है जो उसके आहार का विशेष ध्यान रखता है। पैसों के दम पर आज दुनिया भर की नाक में दम करने और टेररिस्ट सिंडिकेट चलाने वाले दाऊद इब्राहिम एक समय में रोटी के लिए मोहताज हुआ करता था। दाऊद के पिता कॉन्स्टेबल थे और घर में अच्छा खाना तभी नसीब होता जब स्मगलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हाजी मस्तान और करीम लाला की बख्शीश घर में आती थी। इन्हीं सब को बचपन से देखते हुए दाऊद बड़ा हुआ और खुद करीम लाला की गैंग में शामिल हो गया। 1980 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई अपराध जगत में तेजी से उभरा और उसकी पहुँच बॉलीवुड से फिल्म जगत से लेकर सट्टे की दुनिया तक पहुँच गई। जिस वक्त दाऊद ने जरायम की दुनिया में अपना कदम रखा था उस वक्त उसका पसंदीदा हथियार तलवारें, चाकू और देसी रिवॉल्वर हुआ करती थी। दाऊद अपने इन हथियारों को यूपी के रामपुर में बनवाया करता था। अब दाऊद AK-56A और AK-47 का प्रयोग करता है। बात 1973 की है जब दाऊद ने हाजी अली में स्मगलरों की बोट लूट ली थी। बस क्या था, दाऊद जुर्म की दुनिया में चमकने वाला सितारा बन गया। देखते ही देखते दाऊद अंडरवर्ल्ड पर छा गया। अब मुंबई दाऊद की थी। करीम लाला और हाजी मस्तान के साथ काम करते करते दाऊद को समझ में आ गया था कि अगर जुर्म को कारोबार में बदलना है तो रिहायशी वारदात की जगह से दूर होनी चाहिए। दाऊद ने मुंबई की जगह दुबई को अपना रिहायशी बनाया। बाबरी मस्जिद के बाद जिस तरह देश में दंगे बढ़ गए उसने दाऊद को टेररिस्ट दाऊद बना दिया। दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। इस आतंकी हमले के बाद दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड बन गया। पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार दाऊद ने मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करवाए। आपको बता दें कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 जगह ब्लास्ट हुए थे जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी। माना जाता है कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ था जिसे दाऊद ने थामा था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार दाऊद के पास इस वक्त $7 बिलियन यानी तकरीबन 35,000 करोड़ की संपत्ति है। अब तक जुर्म के पैसे में रहकर किसी शख्स ने इतनी दौलत नहीं बनाई है, लेकिन कहते हैं आज भी दाऊद का दिल मुंबई के लिए धड़कता है।
आपराधिक गतिविधियों के अलावा क्रिकेट में सट्टेबाजी और मैच फिक्स कराना दाऊद का बड़ा धंधा था। 1985 में दाऊद को दुबई में हुए क्रिकेट मैचों के दौरान स्टेडियम में बैठा देखा गया है। इसके अलावा दाऊद ने बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाया है। रिपोर्ट के अनुसार दाऊद दूसरे के नाम से फिल्मों में पैसा लगाता था।